आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे पुष्पक्रम के बारे में। और आज जो पुष्पक्रम पढ़ रहे हैं वो हैं विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पुष्पक्रम इन्फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक कक्षा 11 के सब्जेक्ट जीव विज्ञान की 5वीं यूनिट से है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकार की। हमने पुष्पक्रम से पहले क्या पढ़ रखा है इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले परिभाषा पढ़ी थी पुष्पदंड पर या पुष्पावली व्रंत पर पुष्पों के एक निश्चित क्रम को या विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? पुष्प व्रंत की लंबाई और पुष्प व्रंत के शाखन के आधार पर, कि वो एक बार शाखित होता है कि 2 बार होता है या 3 बार होता है, इसके आधार पर पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असीमाक्षी, ऐसे पुष्पक्रम जिसमें पुष्पदंड की वृद्धि लगातार होती रहती है, असीमाक्षी पुष्पक्रम कहलाते हैं। ये पुनः मूलतः 8 प्रकारों में विभक्त होते हैं, जैसे असीमाक्ष, कैटकिन, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैपिटुलम, अम्बल और समसिक या कोरियम। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है उसको हम नाम देते हैं ससीमाक्षी। ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है? ऐसे पुष्प जिसके शीर्ष भाग पर पुष्प विकसित हो जाने से या शीर्ष भाग के पुष्प में परिवर्तित हो जाने के कारण पुष्पदंड की वृद्धि रुक जाती है, और अब यदि उसमें शाखन होता है तो उस पुष्प के आधारीय भाग से शाखन होता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, एकल, एकल शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी। एकल शाखी में भी 2 प्रकार का होता है, वर्षिक प्रकार का और कुंडलिनी प्रकार का। एकल पुष्प होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ होते हैं और कक्षत होते हैं। और तीसरे प्रकार के पुष्पक्रम वे होते हैं जो विशेष प्रकार के कहलाते हैं। अब विशेष से तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष का शीर्ष भाग या पूरा पूरा पुष्पाक्ष किन्हीं अन्य संरचना में परिवर्तित हो जाता है तो वो ससीमाक्षी या असीमाक्षी प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें विभक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे पुष्पक्रम को विशेष प्रकार के पुष्पक्रम कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से विशेष प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम सामान्यतः एग्जाम्स के अंदर 1 या 2 अंक के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें उसकी परिभाषा या उसका उदाहरण एवं उसका डायग्राम पूछा जाता है। आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये टॉपिक खत्म होने के बाद पुष्पक्रम से संबंधित कुल 4 से 5 प्रश्न होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, जो आप अपनी नोटबुक में नोट्स के साथ साथ उसकी आंसर लिखते जाएं।
तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक विशेष प्रकार के पुष्पकर्म के बारे में। ये कुल तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम हाइपेंथोरियम कहते हैं, दूसरा जो प्रकार होता है वो साइथियम कहलाता है, और तीसरा प्रकार होता है वो हाइपेंथोरियम कहलाता है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपेंथोरियम, साइथियम और कूट चक्र के बारे में। तो हाइपेंथोरियम क्या होता है, किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है, और फ्लास्क नुमा संरचना होने का इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये एक फ्लास्क नुमा संरचना, पूरा पूरा क्या है ये पुष्पक्रम। अब इसमें हमें पता ही नहीं लगता है कि इसमें पुष्पदंड कहाँ पे है। तो पुष्पदंड पूर्ण रूप से एक सल्की से पत्रों युक्त संरचना में परिवर्तित हो गई। क्या नाम देंगे इसको, फ्लास्क कहते हैं, वेसिकल कहेंगे या आशय कहते हैं। तो ये एक वेसिकल बन गया या आशय बन गया। इस आशय या फ्लास्क के शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र पर सल्की शयपत्र पाए जाते हैं, तो ये इसका ओपनिंग पोर होता है। छिद्र कह सकते हैं उसको, रंध्र कह सकते हैं। रंध्र इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रंध्र में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसके द्वारा वो रेगुलेट होता है, वो उसके नियमित होता है। छिद्र होता है वो एक सामान्य प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब इस फ्लास्क नुमा संरचना में कुल तीन प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प होता है वो नर पुष्प कहलाते हैं, नर पुष्प। दूसरा होता है वो मादा पुष्प कहलाता है। तो पुष्प कैसा हुआ, एक लिंगी हुआ। लेकिन चूंकि पुष्प क्रम में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी या द्विलिंगी कहेंगे। और तीसरे प्रकार के होते हैं उसको बंदीय पुष्प कहते हैं, अथवा पिट्टिका के नाम से जानते हैं, पिट्टिका पुष्प। तो कुल कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार। इस फ्लास्कनुमा संरचना के जस्ट नीचे की ओर छिद्र के पास में जो पुष्प पाए जाते हैं इनको हम नर पुष्प कहते हैं, नर पुष्प। जबकि इस आशय के आधारीय भाग में जो पुष्प पाए जाते हैं इनको मादा पुष्प के नाम से जानते हैं, मादा पुष्प। तो नर पुष्प होते हैं वो छिद्र के पास में या फ्लास्क के अग्रभाग पर, और मादा पुष्प होता है वो आधारीय भाग के ओर। जबकि इनके बीच में, इसमें नर और मादा पुष्प के मध्य में पाए जाने वाले इन पुष्पों को नाम देते हैं बंदीय पुष्प, बंदीय पुष्प। तो कुल कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार के। इस प्रकार के पुष्पक्रम किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं फाइकस वंश के सभी पादपों में। जैसे हम लिख सकते हैं अंजीर एक, पीपल दो, और बरगद, कितने हुए, तीन प्रकार के पादप जो कि फाइकस वंश के हैं। इसमें से किसी एक का हम एग्जाम्पल आसानी से एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं, पीपल कर सकते हैं, अंजीर कर सकते हैं, बरगद कर सकते हैं। तीनों याद रहती है तो और बढ़िया बात होती है। तो इस प्रकार के हम पुष्पक्रम को क्या नाम देंगे, हाइपेंथोरियम। एक बंद फ्लास्क नुमा संरचना होती है जिसमें तीन प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, नर पुष्प, मादा पुष्प और बंदीय पुष्प। नर पुष्प होते हैं वो अग्रभाग पर स्थित छिद्र के जस्ट नीचे की ओर, मादा पुष्प आधारीय भाग की ओर, जबकि बंदीय पुष्प होते हैं वो दोनों प्रकार के पुष्पों के मध्य पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष प्रकार का आप पुष्पक्रम उसको नाम देते हैं साइथियम। साइथियम मूल रूप से यूफोर्बिया प्लांट, यूफोर्बियसी कुल का एक लाक्षणिक गुण है, यूफोर्बियसी। अब ये कौन सा हुआ, इसमें कौन कौन से पादप आते हैं, जैसे यूफोर्बिया हिट्टा है, नागफणी है, डंडाथो है, या फिर अरंडी है, किसमें आएंगे, यूफोर्बियसी में आएंगे। तो उदाहरण के रूप में हम यूफोर्बिया भी लिख सकते हैं अथवा यूफोर्बियसी कुल लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ये होता क्या है, साइथियम भी
हाइपेंथोरियम के समान एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में होता है। इस रूप में होगा प्यालेनुमा संरचना, लेकिन ये प्यालेनुमा संरचना है वो खुले आकार की। हाइपेंथोरियम में जो आशय होता है वो बंद होता है, साइथियम में जो आशय होता है वो खुला होता है। ये खुला हुआ फ्लास्कनुमा जो संरचना है वो मूल रूप से सहपत्रों से निर्मित होता है। किससे होंगे? सहपत्रों से। इस सहपत्रों की प्यालेनुमा आकृति के बाह्य भाग की ओर यहाँ पर मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। इस मकरंद ग्रंथि द्वारा स्त्रावित मकरंद के कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और कीट परागण होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो होता है नर पुष्प और दूसरे होते हैं मादा पुष्प। नर पुष्प और सेकंड नंबर मादा पुष्प। नर पुष्प की विशेषता होती है कि ये एकल होता है, तो यहाँ से एक लंबे पुष्प वृंत के द्वारा, ये क्या है, पुष्प वृंत है, लंबा सा पुष्प वृंत है ये, जो कि त्रिअंडपी होता है, त्रिकोष्ठकीय होता है, स्पष्ट रूप से वर्तिका विभक्त, तीन पालीवत संरचना विभक्त होती है। तो इस प्रकार की संरचना होती है, इसको नाम देते हैं मादा पुष्प। मादा पुष्प एक लंबे पुष्प वरंत की सहायता से इस प्यालेनुमा संरचना से बाहर की ओर लटका हुआ होता है, जबकि नर पुष्प जितने भी होते हैं वो इस प्यालेनुमा संरचना के आधारीय भाग पर और एक से अधिक उपस्थित होते हैं। किस में पाए जाएंगे? प्यालेनुमा संरचना के आधारीय भाग में और मादा पुष्प के चारों ओर, तो अपकेंद्रीय नर पुष्प इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नर पुष्प इस प्रकार के पुष्पक्रम को नाम देते हैं साइथियम प्रकार का। किस में पाया जाएगा? यूफोरबियम में। दोनों में अंतर क्या है, कंपेरिजन करते हैं। तो हाइपेंथोरियम एक खुले बंद वेसिकल संरचना होती है, आशय होता है, साइथियम खुला हुआ प्यालेनुमा संरचना होती है। इसमें नर पुष्प मादा पुष्प और बंदी पुष्प पाए जाते हैं। साहित्य में केवल नर पुष्प और मादा पुष्प होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प की संख्या असंख्या होती है, जबकि साहित्य में मादा पुष्प एकल होता है, जबकि नर पुष्प होता है वो कई सारे होते हैं। इसमें बंद प्यालेनुमा संरचना होती है साहित्य के अंदर, सहपत्रों से निर्मित होती है, जबकि हाइपेंथोरियम होती है पुष्पाक्ष के परिवर्तन से होती है। इसमें मकरंद ग्रंथि पाई जाती है, जबकि हाइपेंथोरियम मकरंद ग्रंथि होती है वो मादा पुष्प के आधारीय भाग पर स्थित होती है और साहित्य में सहपत्रों के बाहर की ओर स्थित होती है। ये यूफोरबियसी का लाक्षणिक गुण है, जबकि हाइपेंथोरियम फाइकस वंश का लाक्षणिक गुण है। तीसरे प्रकार का विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है, वो है कूट चक्रक प्रकार का। तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं कूट चक्रक। इस प्रकार के पुष्पक्रम है क्या? मूल रूप से युग्म साकेत, दो आपस में आमने सामने स्थित दो पुष्प समूह जो कि साकेत प्रकार का है, और वो भी कौन से प्रकार का? सस्यमाक्षी प्रकार का है, इसीलिए इसको युग्म साकेत सस्यमाक्षी पुष्पों का एक समूह मानते हैं। और इसमें जो युग्म साकेत में दो पुष्प समूह है वो कौन से प्रकार के? वार्षिक सस्यमाक्षी प्रकार के हैं। अब इस प्रकार के पुष्पक्रम में होता है क्या है? एक पर्वसंधि है जो कि पुष्पदंड की है, तो ये एक पुष्पदंड है, तो इस पर इस एक इधर से और इधर से दो पुष्प निकलते हैं। प्रारंभ में जो पुष्प निकला हुआ है आमने सामने निकलेंगे, एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा, लेकिन ये है कैसा? एकल साकेत है। पुष्प नंबर कितना हुआ? एक हो गया। एकल साकेत होने के कारण इससे दो शाखाएँ आमने सामने निकलेगी। पहले एक साकेत ये होगा, उसके बाद भी फिर एक आधार से एक और निकलेगी। दोनों शाखाएं एक साथ में निकल करके अलग अलग भाग से निकलती है, अलग अलग समय निकलती है, इसलिए इसको नाम देते हैं एकल शाखी। अब एकल शाखी में कितने हो गए? दो पुष्प हो गए। अब इससे वापस एक पुष्प इधर से निकला और एक पुष्प इधर से निकला, तो कौन से प्रकार का हो गया? वार्षिक प्रकार का हो गया। एक डाय क्या हो, एक बाय क्या हो, चौथे नंबर का पुष्प निकल गया। तो सामान्यतः जो पुष्प होते हैं वो तीन से नौ पुष्पों का एक समूह हो गया। जैसे इसमें कितने हैं? तीन, चार, पाँच, छः और सात समूह का हो गया।
जो होता तो प्रारंभ में एकल शाखी लेकिन फिर द्विशाखी में जाकर के समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के आमने सामने पुष्प, इनकी पुष्पदंड इतने छोटे होते हैं कि पूरी की पूरी संरचना इस पुष्प हैं वो इस पुष्पदंड पे लगे हुए प्रतीत होते हैं। इधर से भी लगे होते हैं और इधर से भी। आर्य की निरूपण बनाने के कारण इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बताया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इस पुष्प क्रम को देखते हैं, पुष्प एक दूसरे के पास पास में स्थित होता है, ऐसा लगता है कि ये चक्र के रूप में पुष्प स्थित होते हैं, लेकिन वास्तविक में चक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? साइकिल तब होता जब इधर से इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, सभी तरफ से पुष्प निकलते, तब एक साइकिल सिस्टम बनता, लेकिन साइकिलिक नहीं है। मूल रूप से क्या, ये एक दूसरे के सम्मुख स्थित है लेकिन इतने नज़दीक से पास पास स्थित होते हैं कि एक चक्र की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? कूट चक्र या आभासी चक्रक पुष्पक्रम नाम देते हैं। ये कूट चक्रक है ही नहीं। ऐसा किसमें पाया जाता है? इस प्रकार की संरचना मुख्य रूप से तुलसी कुल में पाई जाती है, तुलसी कुल या लिबियटी। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये तुलसी के पादप पर लगने वाले पुष्पक्रम है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम कूट चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो संरचना है वो क्या है, इनको हम पुष्प कहते हैं, और ये जो संरचना पूरी पूरी लंबी है उसको पुष्पदंड कहते हैं। तो इसमें आपको कुल कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 और 3 कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। यानी एकल शाखी संरचना है वो एक बार परिवर्तित होती है। आपके आसपास कहीं पर इस प्रकार का पौधा है उसके ऊपर पुष्पक्रम लगे हुए हैं तो आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसके कारण ये इतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, तो हमें इसको देखने के लिए मैग्नीफाई लेंस या आवर्धक लेंस का उपयोग करना पड़ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपको होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में लिखना है, इसके उत्तर लिखने हैं। पहला है, असीमाक्षी एवं ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर क्या होता है, आपको अंतर लिखना है। दूसरा है, लेमियसी या लिबियटी जिसे हम तुलसी कुल कहते हैं में पाए जाने वाले पुष्पक्रम का नाम लिखो, कौन से प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है उसको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, समसिख और पुष्पचित्र कोरियम और अम्बल में अंतर लिखो। और चौथा प्रश्न है, साइथियम पुष्पक्रम क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है? इसका डायग्राम बनाना है, इसके लक्षण लिखने हैं, और ये कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है इसके बारे में इसको स्पष्ट रूप से लिखना है। आज के इस टॉपिक के समाप्त के साथ में पुष्पक्रम का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे हमने कुल 4 भागों में अलग अलग वीडियोज के माध्यम से पढ़ा है। आप इनको सबको देख करके इसका समराइज करें, उसको रिविजन करें, इसको पढ़ें। थैंक यू। नमस्कार।